नमस्कार, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक कहानी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है सफ़ेद चादर। इस कहानी की कुछ खासियतें आपको बता दें। अव्वल तो इस कहानी के प्लॉट को मैंने सपने में देखा बहुत वर्षों पहले, और भोर का सपना था। सुबह उठा, उसको जल्दी जल्दी रफ कॉपी पर नोट किया, फिर उसकी बुनावट की हमने शिल्पकारी की। इस कहानी की एक खूबी और भी है कि इसमें सेंटेंसेस वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, और ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित कहानी है। आइए शुरू करते हैं कहानी सफ़ेद चादर। अभी तक किसी मरीज ने मेरे दवाखाने में आने का कष्ट नहीं किया। अमूमन दोपहर को ही गांव की भीड़ जुटती है। सुबह के वक्त मैं बिल्कुल खाली था। सोचा दो चार बातें मास्टर से ही हो जाए। सिलाई मशीन के बगल में पड़ी एक लंगड़ी तिपाई पर मैं बैठ गया। मास्टर के बूढ़े हाथ तल्लीनता से कपड़ों की बखिया टांग रहे थे। मास्टर ने ही बात शुरू की, बोले, पान जमाओ मियाँ। मैंने तकल्लुफ नहीं किया क्योंकि मास्टर तकल्लुफ नापसंद थे। इधर कई सालों से वह मेरी जमीर का एक हिस्सा बन चुके थे। मैंने पन डिब्बे से एक बीड़ा पान का निकाला और मुंह में दबा लिया। क्यों मियाँ, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। बीरू आया है। कब? मास्टर जैसे उछल पड़े। भोर में। अम्मा ईद तक तो रहेगा ना? हाँ भाई हाँ। देखो ठाकुर, ईद में उसे लेकर ही आना, नहीं तो ठीक ना होगा। हाँ, मास्टर के खिले चेहरे पर गोल चश्मा थोड़ा सा सरक गया। सफ़ेद मूछें घनी दाढ़ी पर पसर गईं, पिच से थूक कर अपने काम में उलझ गए। फिर खामोशी छा गई। खामोशी को मैंने तोड़ा, सोचता हूँ मास्टर की अब के बीरू की शादी वादी भी कर डालूँ। यक बयक मास्टर की मशीन रुक गई। चश्मा एक बार फिर फिसला। कांपती हुई आवाज़ में बोले, बीरू फौज में है ना? हाँ हाँ है। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। मास्टर के चेहरे पर कई एक हल्की गाढ़ी रेखाएं उभरी और फिसलती हुई दाढ़ी में खो गई। मास्टर का बूढ़ा हाथ धीरे से उठा और अपनी सन जैसी सफ़ेद दाढ़ी के रेशों को सहलाकर अपने काम में लग गया। मैं कुछ और कहता इसके पहले ही दो तीन ग्राहक आ गए। मैं चहलकदमी करने के लिए दुकान के बाहर वाली गली में आ गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ जो मास्टर शब्द प्रयोग हुआ है वो टेलर मास्टर के लिए, वो मुस्लिम है, और मैं बनकर जो नायक प्रस्तुत हो रहा है वो कहानी के नायक हैं। आगे बढ़ते हैं। दोपहर की भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। दिन का तीसरा पहर दुकान में खाली हुआ तो दिमाग को आराम मिला। सामने देखा मास्टर अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। दुकान से बाहर निकला। सूरज क्षितिज की ओर फिसल रहा था। नारंगी धूप बबूल की पत्तियों से होती हुई एक लकीर से खींचती हुई वापस लौट रही थी। धूप की एक लकीर मास्टर की दाढ़ी में भी अटकी पड़ी थी, मैंने देखा। हमेशा की तरह मास्टर की दुकान में घुसा, लंगड़ी तिपाई को कष्ट दिया। मास्टर ने पन डिब्बा निकाला। मैंने एक पान मुँह को भेंट किया। मास्टर सुपारी कतरने लगे। परसों ईद है मियाँ, जुबैदा ने कालवा भेजा है, भाईजान से कह देना मैं इंतज़ार करूँगी। ढेर सारी सिवैयाँ बनाएंगी, कह देना मेरी भाभी जान से, खूब पीऊँगा, भांग छान कराऊँगा। प्यारी ईद भी कभी कभी ही तो आया करती है। मास्टर हंसने लगे। उनका बूढ़ा जिस्म हिलने लगा। पान की लार होठों से सरकती हुई उनकी नूर सी दाढ़ी पर छिटक गई। मैं चूना चटने लगा। मुफ्त का पान खाने की आदत छूटती भी नहीं। मास्टर दोहरे हो गए। मैंने गली में थूका और देखने लगा मास्टर की संगमरमरी खोपड़ी पर बल खाती तुर्रेदार टोपी। मास्टर एक बात कहूँ? मास्टर मेरा मुंह ताकने लगे। असलम को फौज में भर्ती करवा दो, ज़िंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो यूं ही बढ़ोतरी का दर्द बना रहेगा। मास्टर अजीब तरह से चौंक पड़े। गोल चश्मे के भीतर उनकी आंखें सिकुड़ने लगी
आंखों के नीचे तनहा सलवटे कुछ कहने लगी, क्यों नहीं क्यों नहीं। मास्टर की दाढ़ी छितरा गई मगर हमेशा की तरह चश्मा नहीं फिसला। मूछें चौड़ी होकर दाढ़ी पर सो सी गई, भौहें कांपने लगी, गोल गोल आंखों में धुंधलका सा छाने लगा। अपनी गलती का एहसास मुझे हुआ, बड़ा ही कोफ्ता आया खुद पर। मास्टर की रगों को दुखाकर मैं अफसोस में डूब गया। पहले भी कई बार यही बात दोहरा चुका हूँ, नतीजा भी खूब जानता हूँ। एक अजीब सी खलिस सालने लगी मास्टर को। इस खलिस से उनकी बेटी फातिमा की उजड़ी जिंदगी मुंसलिक है। फातिमा का शौहर फौज में सूबेदार था, जंग में शहीद हो गया, वतन का नाम कर गया, फातिमा को सोनापन दे गया, उसकी ज़िंदगी को खामोशी दे गया। बूढ़ा मास्टर अपनी बेटी की जवान जिंदगी को इस रूप में देख अंदर से रोज रोज टूटता गया है। फातिमा की बदहवास जिंदगी, उसके पिघलते अश्क मास्टर को जर्जर बनाते गए हैं। आज वही खलिस हूक सी उठ गई उसके सीने में फिर से। मैंने सोचा, मुझे अपने पर गुस्सा आया, पंडिब्बा सामने रखकर बहलाने की कोशिश की, अमा लो पान खाओ यार। मैंने सामने टंगे आईने में देखा, मास्टर हिल रहे थे। मैं जब चलने को हुआ तो आईने से अक्स बोल पड़ा, परसों जरूर आना मियाँ सिवैयाँ खाने। शब आई चांद लेकर, सभी ने दीद किए। शब गई जंग देकर। हबीब मियाँ के घर के पास बम जो फटा कि सारे शहर में खलबली मच गई। दूसरा बम फटा पंडित माता दीन के खेत में, उनकी तोन थर्रा गई। सुबह हुई मगर सारा शहर खामोश था। मुसलमानों ने अपने मकानों में ही नमाज अदा कर ली। इस सुबह शाही मस्जिद से अजान नहीं हुई। अल्लाहपुर वाले मंदिर में घंटे घड़ियाल भी नहीं बजे। खरगोश की तरह सहमे हुए लोग बाग अपने अपने घरों में दुबक गए। धन पशु मुसलमानों ने दांत पीसे, मुठ्ठियाँ कसी, ढीली की। साली बेवक्त की जंग ने ईद की सारी खुशियाँ चौपट करके रख दी। बेचारे गरीब मुसलमान अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्रगुजार थे, कम से कम ईद उनकी मुफलसी का मखौल तो नहीं उड़ा सकी। बेपैरहन होने से बच गई उनकी इज्जत। चिथड़ी कथड़ियों से कराह की सांसें उभरी, वातावरण शाम उठा। ईद की शाम, जंग के पहले दिन की शाम, चारों ओर सन्नाटा, चारों ओर तारीकी। मैं बुल्ला मास्टर, मास्टर का मकान, मकान में शतरंज के मोहरों की जंग। मैंने महसूस किया, मास्टर के सीने में सवालों की जंग चल रही है। मास्टर की तबीयत खेलने में नहीं लग रही है, मास्टर की जमीर के चार सू जज्बातों की जंग छिड़ी हुई है। मास्टर जो टेलर मास्टर है उनका नाम बुल्ला मास्टर है। फिर से यहाँ पे थोड़ी सी मैं व्याख्या कर दूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। बगल के कमरे की ड्योढ़ी पर पड़े चिक के पर्दे से पीछे खड़ी जुबैदा और उसके दामन से लिपटे सहमे से बच्चे साफ दिख रहे थे। मुझे दादा दादा कहकर मुझसे लिपट जाने वाले ये बच्चे आज क्रियाहीन से क्यों हो गए हैं। मैंने सोचा, यही है गंगा जमुनी कल्चर के दूध का फटा हुआ भाग। लेकिन मैं खामोश रहा, सोचने लगा अपने वजीर के हिफाजत की तरकीब। एक पैदल सिपाही मारा गया। महमूद, अतीक, सलमा, अरे कहाँ हो भाई, सब के सब। मुझसे न रहा गया तो आवाज़ लगाई। चिक का पर्दा हिला, कोई नहीं आया। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, महमूद बेटा पंडिब्बा तो लाना। कुछ देर बाद पंडिब्बा लिए आया और महमूद कुछ दूरी पर ही खड़ा हो गया। उसकी आँखें मेरे सपाट चेहरे पर टिक गई। आओ महमूद, मेरे करीब आओ बेटे। सामने पड़ी छोटे कद की एक मेज पर पंडिब्बा रखकर महमूद मास्टर से सटकर पलंग पर बैठ गया। मैंने पान खाया फिर चाल चली। नाना पाकिस्तान कौन है? महमूद के होंठ हिले। मास्टर अचकचा से गए, मेरी आंखें सिकुड़ गई, मास्टर की आंखें कांपने लगी। मास्टर ने कहा, एक मुल्क है बेटे। महमूद के जज्बात फिर कसमस आए। मुल्क क्या होता है? अब के मास्टर का चश्मा नाक पर फिसल गया। बोले, खेलने दो भाई। महमूद अपने हाथ की उंगली का नाखून दांत से कुतरने लगा। उसने मेरी ओर देखा, फिर, दादा हम मुसलमान हैं। हाँ। अम्मी जान कहती है आप हिंदू हैं। हाँ। मेरी आंखें क्या सिकुड़ी कि लगा महमूद के नन्हे सवालात विशाल मायनों में मेरा सारा परिचय सिकुड़ने लगा है। सिकुड़ने की यह प्रक्रिया रुकी जबकि मास्टर बोले, लो ठाकुर, गया तुम्हारा बादशाह। मैं परेशान हो गया, माथे पर बल पड़े, एक ऊँट साफ कर दिया मास्टर का। फिर जाने क्या सूझा कि मैं उष्ट उष्ट कहने लगा। क्या कोई हरकत थी वो, सिकुड़ने और सिकुड़ते हुए रुक जाने की प्रक्रिया से जन्मी एक हल्की अपना कोई परिचय पाने की लालसा लिए हुए हरकत।
जिसका सारा का सारा वजूद महमूद के सामने उसके सवालों की मोहरों के लिए सहमा हुआ सा लिजलिजा बिसात बनकर फैल गया। दादा, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना? बेचारगी लाचारगी की कुछ बूंदें जो जहन के किसी चिथड़े हुए कोने में अटकी पड़ी थी, पारे की बूंदों की तरह गिरकर तमाम नन्ही नन्ही बूंदों में बिखर गईं। तो मास्टर ने उन्हें बटोरना चाहा, बोले, भाग बदमाश, खेलने नहीं देता। मैंने उन्हें रोका। मैंने महमूद की जानिब मुखातिब होकर कहा, नहीं बेटे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान कौन है दादा? खामोशी। अम्मी जान कहती हैं खाला पाकिस्तान में रहती हैं। खामोशी। महमूद पलंग पर बिछी चादर को उंगलियों से नोचने लगा। तभी सलमा भी आकर बगल में खड़ी हो गई। मैंने उस पर नजरें घुमाई तो उसके होंठ चौड़े हो गए। मास्टर मेरे वजीर की फिराक में थे। तभी अतीक को पुकारती फातिमा कमरे में दाखिल हुई। मैंने उसे निहारा, दिल रोने लगा, आंखें भर भर आ गई। बीरू भाईजान कैसे हैं दादा? सवाल क्या था कि सुनते ही मेरा ममत तो गलने लगा। मोम की तरह, नहीं बर्फ की तरह, नहीं फिर कुछ नहीं, बस गलने लगा। मैंने कहा, भोर में चला जाएगा। मास्टर के सुर्ख लबों के कोनों से पान की बारीक लकीर रिस रही थी। मैंने देखा, मैंने महसूस किया उनकी आंखों की शरबती रुलाई को। मेरा मन उदास हो गया। मेरे मन की उदासी मास्टर के मन को भी उदास किए जा रही थी। मैंने देखा, मास्टर के चेहरे से उठी दर्द की कई एक लकीरें खामोश बुलबुला बनकर लुढ़क गईं। आपको डर नहीं लगता दादा? चलते चलते महमूद ने एक सवाल और किया। मेरे पैर ठिटक गए। चंद लम्हे पहले वाला सारा परिचय जो महमूद के सामने निरीह प्राणी सा बेचारा बना हुआ था ठिटक गया। किससे बेटे? जंग से। बाहर रात फैली हुई थी, चारों ओर सन्नाटा घुला हुआ था। मैं चल रहा था, महमूद के सवाल दिमाग में हलचल मचा रहे थे। आपको डर नहीं लगता दादा? आपको डर नहीं लगता दादा? जंग से? जंग से? मैं ठहर गया। आसमान अशांत था। मैंने पल भर के लिए आंखें मूंद ली। अपने अंदर महाशून्य से मैंने देखा, घुप अंधेरा। अंधेरे में मानववाद अपनी परछाई पर चोच मार रहा था। एक सांवली सुबह, जंग के दूसरे दिन की सुबह। हल्की हवा चल रही थी। हवा में गुलाबी ठंड का सैलाब तैर रहा था। बीरू मुझसे पहले ही जग गया था। जगकर अपनी तैयारी में लगा रहा। सुबह सुबह ही उसके लिए ट्रेन थी। बिस्तर पर पड़े पड़े ही मैंने खिड़की खोली। ऐसा लगा मानो सामने फातिमा खड़ी हो। मेरा दिल धक से धड़क गया। मैंने आंखें गड़ाई, गौर किया, कोई न था, वहम था। तभी बाहर से किसी स्वयंसेवी की ऊंची आवाज़ उठी, वैद्य जी रोशनी बंद कर लो। मैंने खिड़की बंद कर दी। पूरे कस्बे में ब्लैकआउट। यानी जो किरदार मैं के रूप में उपस्थित है वो वैद्य जी है, उनका बेटा बीरू है, और मास्टर बुल्ला मास्टर है, टेलर है, उनकी बेटी फातिमा जिसका सहवर फौज में था और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हवा के हल्के झोंकों का मुंह मुझे आंगन में खींच लाया। सामने नीम के पेड़ पर बैठी बड़ी चिड़िया चीख रही थी। मैंने कानों में उंगली ठोस ली। मुझे लगा जैसे बड़ी चिड़िया और भी जोर जोर से चीखने लगी हो। मेरा जहन उबलने लगा। मैंने पत्नी वीरू की अम्मा के कमरे की ओर पैर मोड़े, दरवाजा खोला, देखा सो रही थी। मुझे हल्का सा गुस्सा आया। बेटा जाने को तैयार और बेटे की अम्मा सो रही हैं। मैंने आवाज़ लगाई, फिर इंतजार की। सामने की मेज पर रखी हुई बीरू और उसकी होने वाली बहू की तस्वीर फिर देखने लगा। कुछ पल और बीते, बीरू की अम्मा नहीं उठी तो मैंने फिर आवाज़ लगाई, फिर भी वे नहीं जागी। ठंडे पानी का छींटा मारा, कोई जवाब न मिलने पर मेरे अंदर का हल्का सा गुस्सा सघन होने लगा। मैंने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन यह कहा, छोड़ते ही गिर पड़ी उनकी काया। मेरे कलेजे पर मानो वज्रपात हो गया। बुरी तरह से लड़खड़ा आते पैर पीछे हटे, मेज से टकराया तो उस पर रखी तस्वीर गिरकर चूर चूर हो गई। उस गुलाबी ठंड में भी मेरी आंखों के आंसू मेरे जिस्म से पसीने की बूंद बनकर छलक गए। क्या हुआ पापा? बेटा खाने से बीरू की आवाज आई तो मैं झट से कमरे के बाहर आ गया। जोर से चिल्लाया, कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर बैठक में चला गया। बिस्तर बंद कसते हुए बीरू ने फिर मुझसे पूछा वही सवाल, क्या गिर गया पापा? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। आप घबराए से क्यों हैं?
पुत्र के जाने का ऐसा भी दुख क्या कि मेरे हौसले डामाडोल होने लगे। मैं खामोश था, फिर कुछ पलों की खामोशी को अचानक ही तोड़ डाला मैंने। कुछ कपड़े छत पर रखे थे, उन्हें रख लिया। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा ने लड्डू बनाए थे, उन्हें भी रख लेना। मैं बेमतलब बड़बड़ाने लगा था। बीरू ने घूरा मुझे तो मेरा गला खरखरा उठा। कुछ नहीं बीरू बेटे, नथनों से गर्म हवा निकलने लगी, फिर खामोशी, और फिर खामोशी का मंजर हिलोड़ दिया मैंने। जल्दी करो बीरू, समय हुआ जाता है। अम्मा कहाँ है? एक सीधा सवाल, मैंने दबती आवाज में धीरे से कहा। मंदिर गई है मनोती करने तेरे लिए। और इस तेरे लिए पर न चाहते हुए भी जोर पड़ गया। ऐसा लगा मानो कंठ में अंगारे उतरने लगे। अम्मा जगी, नहा धोकर पूजा के लिए मंदिर भी चली गई और मुझे आहट तक न लगी। अरे वाह, वो तुमसे पहले ही जग गई थी। जबरन होठों को चौड़ा कर दिया मैंने, फिर उन पर दांतों को बेतरतीब लाद दिया। वो हमसे भी पहले? बात अधूरी रह गई। मेरी जीभ खुश होकर लड़खड़ाने लगी। वीरू अपना सूटकेस सजाने लगा। मौका मिलते ही मैं आहिस्ते से बीरू की अम्मा के कमरे की ओर मुखातिब हो लिया। कमरा खोलकर धीरे से अंदर गया और भीतर से बंद कर लिया। सामने खाट पर पत्नी का ठंडा जिस्म पड़ा था, आंखें बंद थी, चेहरे पर शांति की ठहरी हुई लहरें। हिचकियों का तूफान उठा कई कई बार, लेकिन उसे घुटन और खामोशी में दफन कर दिया मैंने। सारा कमरा घूम रहा है, ऐसा ही लगा था मुझे उस वक्त। उस वक्त का एक खालिस टुकड़ा, मुर्दा वक्त के जिस्म का एक लोथड़ा, सफ़ेद मांस मेरे कुछ देर पहले के वक्त की परिभाषा धोई डाल रहा था। बिस्तर पर पड़ी सफ़ेद चादर उठाई, मुट्ठियाँ भींच लीं, फिर मुट्ठियाँ ढीली हुई, पत्नी की लाश को ढक दिया, फिर एक झटके से उठा, कमरे से बाहर आ गया, ताला लगा दिया बाहर से। कहानी का शीर्षक सफ़ेद चादर यहीं पर एलिवेट हुआ है। बेटा युद्ध छिड़ गया है, जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बेटा फौज में है, बीरू वैद्य जी का बेटा, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, सुबह उसको जाना है, भोर में ट्रेन है, वो तैयारी कर रहा है। बीरू की माँ मरी हुई है कमरे में। बीरू के पापा बीरू को ये बात बताते नहीं है, और सफ़ेद चादर से ढककर देख ठंडे जिस्म को ढक करके वो बाहर से साइकिल में ताला लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामने गली वाले नीम पर बड़ी चिड़िया चीख रही थी, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उछाला नीम की ओर और टूटती आवाज़ को बुलंदी का ढीला आवरण पहनाए हुए हो करके उड़ाना चाहा उसे, लेकिन वो थी कि बेहया बनी चीखे जा रही थी। मेरे होठों पर झाई सी छा गई। बरामदे में लौटा, देखा वीरू तैयार हो चुका था, बोला अम्मा नहीं आई अभी तक। मैं चुप था। अल्लाहपुर वाले मंदिर में गई होंगी, पास ही तो है, मैं अम्मा को बुला लाता हूँ। मैं बुला लाता हूँ वाक्य खंड कुछ इतने जोर से गूंजा, ऐसा मैंने महसूस किया कि जैसे बस अब तब आसमान का सीना चीर के रख दिया हो किसी ने। मुझे लगा मैं बालुई कालीन पर खड़ा हूँ, तेज हवा उमड़ घुमड़ कर रही हो और उस कालीन के बेल बूटे उखड़ उखड़ कर चितड़े चितड़े होते हुए एक एक पल को चुभ रहे हो, और मैं चुपचाप हर चुभन को बर्दाश्त करता जा रहा हूँ। अरे नहीं, वो वहाँ नहीं गई होंगी। फिर कहाँ गई होंगी? बीरू की भावुकता गंभीर होने लगी तो मैंने भी आवाज़ को भारी कर लिया। बीरू तुम्हें देर हो रही है। नौजवान जिस्म पिघलने लगा, अंदर ही अंदर मोम सा गलने लगा। क्या मजबूरी है, मैं ही अम्मा आएंगी तभी सैली बार ने। बीरू का मन उफना तो हम भी उफन पड़े बीरू, और जब बीरू समझा तो हम बीरू के समानांतर गलने लगे। एक बार फिर से उफने और फिर गलकर अंदर ही अंदर बहने लगे। इस गलने और गलकर बहने का तारतम्य टूटा जबकि बाहर से अनवर तांगे वाले की आवाज़ आई। बाहर निकला, सामने अनवर खड़ा था, उदास सा, चारखाने की तहमत में लिपटा हुआ, जिसमें बुत की तरह लगा। मैंने पूछा, अनवर मियाँ क्या बात है, बड़े खोए खोए से हो? अनवर ने घोड़े को सहलाया और एक टीसती हुई आवाज़ उसकी हलक से निकली, सत्तार की याद आ रही है। उसकी छोड़ी हुई लंबी सांस अचानक जैसे किसी फौलादी चट्टान से टकरा उठी हो, जबकि उसने बड़े आवेग में बोलना शुरू किया। वैद्य जी याद है आपको, अपना वो छोटा भाई सत्तार, बंटवारे ने जिससे हमसे जुदा कर दिया, मेरा छोटा, अम्मी अब्बू के साथ हमसे दूर।
उसने एक पल आसमान को देखा, फिर बड़ा संजीदा होकर बोलना शुरू किया, पिछले महीने अम्मी जान का खत आया था, लिखा था सत्तार फौज में कप्तान बन गया है, तेरे अबू दौलत के बादशाह बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद से ही अल्लाह मियाँ उन पर मेहरबानियाँ न्यौछावर करते गए हैं, अभी वक्त है अनवर बेटे चला आया, वगैरह वगैरह। मैं अनवर की पेशानी पर लकीरों की भागदौड़ देख रहा था और अनवर की आवाज़ बारे गम खून से दबती जा रही थी। मैंने ख़त के टुकड़े टुकड़े करके हवा में बिखेर दिए। आज ऐसा लगता है मुझे मेरे भाई द्वारा दागी गई एक एक गोली उस खत के टुकड़े टुकड़े बनकर मेरी छाती से बालिश्त भर के फासले पर फट रही है, और मैं 18 साल पहले फटी छाती के टुकड़ों के दरमियान फासलों में धंसा। अनवर, अपने को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता, हरगिज नहीं। मैं सब्र और आंसू के दो मुहाने पर खड़ा 18 बरस के अतीत का सूत्र तलाश करना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात ने मुझे समेट रखा था अपने आप में। इस कसमकस को तोड़ा यक बयक मास्टर की मौजूदगी ने। अरे, मैंने कहा सलाम। पीछे मुड़कर देखा, बुल्ला मास्टर खड़े थे। मेरे सख्त होठों को कांपने का वो सूत्र मिल गया जिसे मैंने अनवर में पाकर भी तोड़ डाला था। औलाद मोर्चे पर जा रही है और तुम होके उदास हुए जाते हो। काश मेरा असलम भी आज फौज में होता तो मैं आज छाती फुलाकर बुलंद आवाज में कहता, जा और पीछे लौट के ना आना। मैंने अपने आंसुओं की नदी को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। अनवर ने उसे गलाना चाहा, मैंने उसे और मोटा कर दिया, लेकिन बुल्ला मास्टर ने जो बरछा मारा कि एक चश्मा सा फूट पड़ा, बारीक, बहुत ही बारीक। बीरू जा रहा है, जाने दो, हम अकेले रह जाएंगे। मास्टर ने पूछा, ठकुराइन कहाँ है? उस बारीक चश्मे ने अचानक मीलों तक फैल जाना चाहा, मगर बीरू को बाहर आते देख फिर जैसे का तैसा हो गया। बोला बनावटी झुंझलाहट के साथ, बेटा जा रहा है, वो है कि अब तक जाने किस मंदिर में पड़ी है। मास्टर ने कहा, मैं जाऊँ देखूँ? नहीं नहीं, समय हो गया। फिर बीरू की ओर घूमा, बीरू सब सामान रख लिया ना, जल्दी करो, देर हो रही है। बीरू, वो सफ़ेद वाली चादर नहीं मिली। मैं, अच्छी तरह ढूंढा? बीरू, सब जगह तो देख लिया, अम्मा वाले कमरे में तो बाहर से ताला ही पड़ा हुआ है। मैं, तब तो जरूर तुम्हारी अम्मा उड़ कर गई होंगी। मैंने देखा बीरू की आंखों में आंसू थे, मैंने देखा मास्टर की आंखें सफ़ेद दाढ़ी पर टप टप चूने लगी थी, मैंने देखा अनवर तांग अनवर की आंखें अपने आप में खोई हुई थी। आप रोते हैं चचा जान? बेटे, बूढ़ों के खुश होने के अपने तरीके होते हैं। मास्टर ने प्यार की एक थपकी दी। अनवर अपने गले का ताबीज़ बीरू के गले में डालकर फिर गलने लगा, इसे रख लो भैया जी, यह ख्वाजा साहब की नेमत है, एक इंच भूमि भी मत देना काफिरों को। सड़क पर सन्नाटा था। अनवर ने चाबू खिलाया, टापों की आवाज़ सन्नाटे को चीरने लगी, मेरी जमीर को चीरने लगी। बीरू पल पर दूर होने लगा, मुझसे देखा न गया। मैंने गर्दन मोड़ ली, पीछे मास्टर खड़े थे। मास्टर पर नज़र पड़ते ही मेरे भीतर का सैलाब टूट गया। आंसुओं की नदी पर जमी हुई मोटी परत अचानक ही भाप बनकर उड़ गई, मास्टर की बाहों में गिरकर फूट पड़ा मैं। मास्टर ढांढस बंधाने लगे, मेरी बाह पकड़कर मकार के अंदर ले आए। मैंने जेब से चाबी निकाली, मेरे हाथ सुन्न थे, मैंने बेदम हाथों से कमरे का ताला खोला, मास्टर को भीतर ले गया। चादर हटाई तो मास्टर चीख पड़े, मैं लुढ़क गया, क्या हो गया ठकुराइन? मेरा गला फटने लगा। मैंने देखा मास्टर की सन जैसी सफ़ेद दाढ़ी नीली हो गई, टोपी फिसल गई, चश्मे के पीछे कोहरा सघन हो गया और मास्टर के दोनों हाथ हवा में उठ गए। या मौला, या मेरे मालिक। जंग खत्म हुई तो कस्बे में फिर से सड़कों पर चारखाने की लुंगियाँ, तुरेदार टोपियाँ तथा रामनामी दुपट्टे दिखाई देने लगे। लोगों के चेहरे से दहशत का नकाब उठा। सुलेमान कसाई की दुकान पर हलाली बिकने लगी। बड़े आदमी जफर ताजिया वाले ने श्यामापुरा में मिठाइयाँ बंटवाई। अल्लाहपुर वाले मंदिर में पंडित माता दीन ने शांति यज्ञ का आयोजन किया। बचाऊ चाय वाले के यहाँ जंग की चर्चा चाय की चुस्कियों के साथ होने लगी। रिटायर्ड फौजी खद्दर नाई बाल दाढ़ियाँ बनाते समय अपने फौजी अनुभव सुनाने लगा। बाजार की गलियाँ बातों की गर्माहट से तप गई। और हाँ, असलम ने फिर से आवारागर्दी शुरू कर दी। सारा कस्बा धीरे धीरे हल्के माहौल में रमता गया और साथ ही समानांतर रूप से दुखों का सिलसिलेवार कहर मेरी बूढ़ी आत्मा पर ढहता गया।
पत्नी शोक के जख्म हरे ही थे तभी पुत्र शोक का नासूर जेहन में टीसने लगा। वीरू की शहादत की खबर धीरे धीरे कस्बे भर में दौड़ गई और जब वह अनवर तांगे वाले के मकान पर पहुंची तो वह भरभरा गया। हाँ, पल पल पीड़ा भोगने की नियति को सुख का एक चिथड़ा अनुभूति असलम बनकर अपना स्पर्श दे गया। कितना सुखद था वो दिन जबकि असलम दौड़ता हुआ मेरे पास आया था और उसकी आत्मा उद्वेलित हो उठी थी। चचा जान, मुझे फौज में भर्ती करा दो, मैं भी वीरू भाई की तरह भावनाओं का बखिया हिस्सा मेरी हिचकियों के जलजले से जा मिला। कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।